हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली स्नैक्स रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और कम सामान में ही बनकर तैयार हो जाते हैं और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी को डालकर गर्म कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको हल्का सा सोटे कर लेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको भून लेंगे और यहाँ इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब यहाँ इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इसको डालने से पहले गैस के फ्लेम को लो कर दें या फिर गैस को बंद करके ही लाल मिर्च डालें, वरना ये जल सकते हैं। और बस तुरंत ही हम इसमें 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी डाल देंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। पानी में उबाल आने पर हम इसमें चावल का आटा डाल देंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप चावल का आटा लिया है। हमने 1 गिलास पानी लिया था, उसी की आधी मात्रा में हम यहाँ चावल का आटा लेंगे और इसको एक साथ नहीं डालेंगे, लगातार चलाते हुए थोड़ा थोड़ा कर इसको डालते जाएंगे और इन सभी को एक साथ मिला लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये पैन छोड़ने लगा है, यानी ये अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको ठंडा होने के लिए मैं इसको एक बाउल में पलट दूंगी और इसको फैलाकर इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तब तक हम अपना नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। इनको मैंने पहले ही उबाल कर छील लिया है। अब हम इनको कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ मैंने आलू को मीडियम वाली साइड से कस कर लिया है और सारे आलू को कस लेंगे। यहाँ मैंने सभी आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इन कद्दूकस किए हुए आलू को इस ठंडे किए हुए मिक्सचर में डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें बाइंडिंग के लिए 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैंने इसमें 2 छोटी चम्मच नमक डाला है और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। बस हम इसमें और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे। बहुत ही कम सामान में ये टेस्टी स्नैक्स रेसिपी बन जाती है। अगर आप इसको जल्दी में बना रहे हैं तो आप इसको एक दिन पहले तैयार करके फ्रिज में रख दें और जब भी आपको खाने का मन करे इसका टेम्परेचर पहले मीडियम कर लें और फिर इसको गर्मा गर्म फ्राई करें। और इनको यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें से 3-4 पार्ट में हम इसको अलग कर लेंगे। अब हम हाथों पर हल्का सा तेल या घी लगाकर इसकी एक पेड़ी लेकर इसको एक फ्लैट सरफेस पर रखकर हाथों से लंबाई में रोल कर लेंगे और अब बस इसको काट लेंगे। यहाँ मैं इनको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। इसको काटने से पहले चाकू पर थोड़ा सा तेल लगा लें, इससे ये आसानी से कट जाएंगे। और इसी तरह से हम सभी को काट कर तैयार कर लेंगे और इनको इस तरह से हल्का सा शेप दे देंगे। इसी तरह से हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के प्रोसेस पर। यहाँ एक कढ़ाई में तेल या घी को गर्म कर लेंगे और इनको डालने से पहले गैस को लो कर लें और फिर हम इनको एक एक करके डालते जाएंगे और लो मीडियम फ्लेम पर हम इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। आप इनको कभी भी बनाकर खा सकते हैं या फिर आप इनको चाय के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो है ना इसको बनाना आसान। इसी तरह की इजी और टेस्टी रेसिपी आप सभी के लिए मैं लाती रहूँगी। ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए, बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको अलग निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सभी को तल लेंगे। और ये लीजिए, बहुत ही आसानी से ये स्नैक्स रेसिपी तैयार है। अगर आपको हमारी ये स्नैक्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।